एक्सीडेंट में दोनों पैर हुए फ्रैक्चर, चलने फिरने से लाचार, फिर भी नहीं बन पा रहा विकलांग प्रमाण पत्र। महिला ने जनसुनवाई में कलेक्टर से लगाई मदद की गुहार। शिवपुरी जिले के ककरवाया गांव के निवासी एक महिला विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने की मांग को लेकर जनसुनवाई में कलेक्ट्रेट पहुंची है। यहां उसने जिला कलेक्टर को आवेदन देकर विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने और आर्थिक सहायता दिलाए जाने की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार रेखाबाई परिहार पत्नी मनीराम परिहार निवासी ग्राम ककरवाया तहसील शिवपुरी ने बताया कि 3 साल पहले हुई एक दुर्घटना में उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे। इलाज के दौरान ऑपरेशन कराया गया, डॉक्टरों ने दोनों पैरों में रॉड डाल दी है। इसके बाद भी चल फिर नहीं पा रहा है और काफ़ी परेशानी हो रही है, इसलिए प्रार्थिया अपना विकलांग प्रमाण पत्र बनवाना चाहती है जिससे शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। क्या नाम है आपका? करवाए से आई हूँ, कलेक्टेड ऑफिस से आई हूँ। आई फोन फोन से चलाई नहीं आ रहा। कब से? 3.5 साल हो गए। क्या चाहती हो? सब कुछ मिल जाए, मेरी मुड़ मोड़ी बच्ची, 3-4 बच्ची, 5 बच्ची, इनका ही खाए पीने की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं। नहीं तो ये क्या समस्या आ गई थी आपके पाँव में? जी एक्सीडेंट हुआ ट्रैक्टर वाला एक्सीडेंट है। तो आपने क्लेम वगैरह नहीं किया था क्या? मतलब 3 साल से अस्पताल में इलाज में आपका कितना खर्चा हो गया? इलाज वाले क्या बोल रहे हैं? कम से कम 3 लाख। अस्पताल वाले क्या बोल रहे हैं? अस्पताल वाले जो बोल रहे हैं चलने पिल्ली लगी, अब नहीं बनेगा। आप चल रही हो अभी तक? नहीं आ रहा चलाई। अच्छा, विकलांग प्रमाण पत्र नहीं बनना आपका, आप चल नहीं पाती हैं? और अभी आई थी कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? अच्छा, अस्पताल भेजा है आपको।